फ्रेंड इस आज की कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड्स की, जिनमें से एक है मीना और एक है वानिया। मीना और वानिया दोनों बहुत ही पक्की दोस्त थी। ये दोनों स्कूल फ्रेंड्स थी। ये दोनों बचपन से एक साथ पढ़ती थी और अभी तक ये दोनों बहुत ही पक्की दोस्त बन चुकी थी। तुझे याद है जब पहले हम कैंटीन से चीज लिया करते थे? हाँ, लेकिन वो अंकल कितने क्लोज थे ना। हाँ, कितना मजा आता था ना पहले हमें स्कूल टाइम पे। हाँ, कॉलेज में इतना मजा भी नहीं आता। चल यार, कल मिलेंगे, कल फ्रेंडशिप डे है ना। अरे मैं क्या गिफ्ट दूँ मीना को? अरे वाह, जो पेंटिंग मेरी उसकी और उसकी है, मतलब दो, एक मैं हूँ और दो वो। मैं उसको वही गिफ्ट कर दूंगी जो मैंने बनाई थी, कितने प्यार से बनाई थी ना मैंने उसके लिए। यही ले जाती हूँ। ला 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 ला, अरे वो बैठी है। अरे चुड़ैल, तूने मुझे ड्राई दिया। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, सेम टू यू, आई लव यू। मी टू। ऐसे तुझे पता है मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ? अरे तो कुछ ना ले आ, बस तो खुद भी आ जाया कर, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तो हमेशा से बचपन से फ्रेंडशिप डे पे एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ये देख, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए ड्राइंग बनाई है। अरे वाह, तूने कितनी मेहनत लगा के कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है मेरे लिए, तू कितनी अच्छी है। लेकिन हाँ, इस फ्रेंडशिप डे पे तुझे बस मेरे से एक वादा करना है। बोल क्या वादा करना है? मैं हमेशा एक साथ ही। यार तू कैसी बातें करती है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और जब जिसको मौत आएगी अल्लाह ही देगा। यार अल्लाह तो देगा, लेकिन जब तू मरेगी तो मुझे मरना पड़ेगा तेरे साथ, और जब मैं मरूंगी तो तुझे मरना पड़ेगा मेरे साथ। अरे ठीक है, पक्का प्रॉमिस। वैसे यार तुझे तो पेंटर होना चाहिए, तूने कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है, लगता है किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। तू भी ना यार, वैसे तुझे पता है मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ? मुझे बस तेरा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए, देख मैं क्या लेके आई हूँ। मैं तेरे लिए एक लैपटॉप लेके आई हूँ। तेरा ख्वाब था ना एक लैपटॉप लेना, तो मैंने सोचा इस ख्वाब को क्यों ना मैं ही पूरा कर दूँ। अरे यार तो कितनी अच्छी है, लेकिन बस मुझे ख्वाब ये है कि तू और मैं हमेशा साथ रहें। थैंक यू सो मच यार, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, ये तो बस दुनिया की चीज है, हम दोनों को तो एक साथ ही मरना है ना। लव यू। सारी बातें पीछे सुन रही होती है तानिया। इन दोनों की ज्यादा ही कोई दोस्ती बनती है, और इन दोनों को एक साथ मरना है। इन दोनों को तो मैं ही एक साथ मार दूंगी। ये समझती क्या है अपने आप को कि ये दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है? मेरा नाम भी तानिया है। हेलो यार, तुझे कितना मजा आया था ना। हेलो, हम बात नहीं कर रहे हैं, तुम देख नहीं सकती हो। मेरा नाम तानिया है, क्या तुम दोनों मुझे अपनी फ्रेंड बनाओगी? नहीं सॉरी, हम तुम्हें अपनी कोई फ्रेंड नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही बस फ्रेंड्स हैं। यार प्लीज बना लो। नहीं, वो अपना फ्रेंड, इस लड़की का पता ही नहीं है कि कितनी पागल है, और तुझे पता है कितनी चालाक लड़की है। इसको अगर फ्रेंड बनाएंगे ना हम तो। ठीक है यार, तू जैसा कहती है। तो मेरे से पंगा, मुझे फ्रेंड्स नहीं बनाती अपनी। समझती क्या है कि ये मुझे फ्रेंड नहीं बनाएंगे तो मुझे कोई और फ्रेंड बनाएगा ही नहीं। देखती हूँ अब इनको मैं फ्रेंड बना लेना, यही तो मेरा मिशन है। यार इसको अपना फ्रेंड बना लेते। यार तूने पहले ही कहा था कि हम दोनों में कोई और फ्रेंड नहीं आएगा। यार उसको हम टेम्परेरी फ्रेंड बना लेते हैं, कौन सा उन वो हम जैसी दोस्त बन जाएगी। चल यार बस चेक कर लेंगे हम। ठीक है सुनो। अरे हाँ बोलो, तुम दोनों, हम तुम्हें अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार हैं। अरे क्या सच में तुम दोनों मुझे अपना दोस्त बनाओगी? थैंक यू, तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो। वेलकम। लेकिन हाँ ये बात याद रखना कि तुम्हें हमारी दोस्ती में टांग अड़ाने की जरूरत। ठीक है, थैंक यू। ऐसा करते हैं कि कल फ्रेंडशिप है, मतलब आज फ्रेंडशिप बेटा, कल हम बाहर कहीं पहाड़ों को घूमने चले जाएंगे। हाँ सोचेंगे। वैसे मीना मजा तो आएगा पहाड़ों पे, हम चले जाएंगे ना? हाँ चलो ठीक है, कल देखते हैं। नेक्स्ट डे ना, कितना मजा आ रहा है।
मैंने कहा था ना पहाड़ों पे बहुत ही मजा आता है। वैसे तुम दोनों को प्यास लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। हाँ प्यास तो लगी है, तुम ले आओ पानी। तुम दोनों यही रुको, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। बढ़िया ये दोनों, अब बारी है अपना रूप दिखाने की, चल शुरू हो जाओ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की स्टोरी? आज की स्टोरी एक ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी थी, और होप सो अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।